सुपौल में आए दिन आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बराहा पंचायत के वार्ड 14 निवासी 85 वर्ष लक्ष्मी राम अपने 75 वर्षीय पत्नी के साथ रात्रि में अपने घर में सोए हुए थे। सोए अवस्था में अचानक अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया। इस वारदात के दौरान घटनास्थल पर ही बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग की पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें परिजनों के द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के द्वारा दोनों को पीएचसी किशनपुर लाया गया, जहां डॉक्टर प्रवेश कुमार प्रभाकर ने बुजुर्ग व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उसकी पत्नी का इलाज चल रहा है। हाँ सर, शादी तो रहे, एक तारीख का शादी है। हम लोग का जैसे से 12-1 बजे तक काम कर लिए, काम करे के बावजूद जैसे से अब सब खाना और खा कर गलिए सुते ला, वही टाइम में जैसे से माँ उन्हें से हल्ला कल के अचानक दौड़ के गलिए तो देख लिए जैसे से कतल भल चाकू ताकू भोंकल भाँकल, तो वही लैके जैसे से लैके चल लिए हम लोग के, तो उतने में जैसे से पुलिस प्रशासन सब अल तो जैसे से उठा पुठा के लैके गए और बस वही जैसे उसी टाइम जैसे से मौत भाग गए। माँ के भी चाकू लागल छे? हाँ, माँ के भी चाकू लागल छे। कोई दुश्मनी भी था किसी से? दुश्मनी भी था कभी? कोनो दुश्मनी नहीं, पहले नहीं, कहीं कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी नहीं। कौन मारा है अभी तक नहीं जान रहे, लेकिन आपके बेटे की शादी भी थी एक तारीख को? हाँ, एक तारीख।